बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जियाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद जियाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि वो लोग जो कपड़े धोने का काम करते हैं और उन लोगों की जो मिजाजी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सीपिया है, और इस तरह की जो ख़वातीन हैं देख लें कि वो जब भी कपड़े धोती हैं इस तरह के काम करती हैं तो उनकी अलामत जो है वो बढ़ जाती हैं। इवन कुछ के मेंसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके अंदर जो है वो यानी कि धोने के साथ उनकी जो तकलीफ़ है वो ट्रिगर होती हैं। अब उसमें ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ फीमेल ही हो, अगर कोई भी मेल के साथ भी अगर इस तरह हो जाता है तो मोस्ट प्रॉबली जो मिजाजी मेडिसिन होगी वो सीपिया होगी। और अक्सर ये होता है कि हम किसी भी मखसूस होम्योपैथी में बीमारी को के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसको रिलेट कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो उसके साथ मखसूस होते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये फीमेल की मेडिसिन है ये मेल की है, तो वहाँ पर सिर्फ सिस्टम वाइज जो है वो फ़र्क होता है, अदरवाइज़ मिजाजी तौर पर या जो टेम्परामेंट है उसके तौर पर या उनके जो माइंड सिम्टम्स हैं उनमें कोई इतना जो है वो फ़र्क नहीं आता। तो आप वो जो धोबी लोग हैं ये जो ज़्यादा कपड़े धोते हैं, ज़्यादा उनके पाँव या हाथ जो पानी में भिगे रहते हैं, तो उसकी जो मेडिसिन है वो सीपीआई है, आप उसको ज़रूर कंसिडर करें। थैंक यू।